आ गया एक कप्तान भाई, ये शर्त लगा है पकौड़ी का। कितना पकौड़ी? पकौड़ी फ्री, फ्री पूरा फ्री पकौड़ी है। तो आप देखते हैं हम लोग का मैच शुरू होने जा रहा है भाई। देखो फ्री का पकौड़ी पाकर सब लोग कितना ज्यादा टूट पड़े हैं। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, क्योंकि हम लोग एनएसजी कमांडो भैया के साथ आज मैच खेलेंगे। और पता है बस मैच खेलेंगे नहीं, शर्त लगा हुआ है पकौड़ी का। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं मैच कौन जीतता है। जो देखो कमांडो भैया उधर मैच खेल रहे हैं और इधर शर्त लगने वाला है। इधर कप्तान भाई कहाँ गया? ये कप्तान भाई, ये शर्त लगा है पकौड़ी का। कितना पकौड़ी? पकौड़ी फ्री, फ्री पूरा फ्री पकौड़ी है। तो आप देखते हैं हम लोग का मैच शुरू होने जा रहा है भाई। और यहाँ ये कमांडो भैया हैं, अब देखते हैं कौन मैच जीतता है। और यार ये देखो भाई, ये एक ओवर का कमाल है, एक गेंद में ये आउट कर दिया है कमांडो भैया को। तो उनके तरफ से ये देखो 50 रुपया पैसा दिखाओ यार। अरे देखो भाई, तो यहाँ कमांडो भैया दे रहे हैं, अरे अरे फाड़ देना चाहिए। ये देखो भाई, ओए ओए, चलो सब लोग खाएंगे, ओए ओए सब के उखाई मर दे, सब सब के उखाई। देखो भाई यहाँ पर कमांडो भैया एक ओवर में आउट करना था, ये पैसा लेकर कहा पैसा मर दे, कहा ले काफी रोमांटिक मैच होने लगा है भाई। देखो हम लोग का पहला पारी था एनएसजी कमांडो भैया के तरफ से, हम लोग हैं और 5 ओवर में 40 रन, हम लोग 40 रन बनाए हुए हैं। अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और ये दूसरा पारी है, कितना रन बना है? 25 रन बना हुआ है भाई। और देखते हैं हम लोग जीते हैं, हम तो एनएसजी कमांडो भैया के तरफ से हैं। ये तो दूसरा भी पक्षी है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं मैच कौन जीतता है, लेकिन पकौड़ी तो खिलाएंगे ही सब। पहलवान भाई और एनएसजी कमांडो भैया अभी बैटिंग कर रहे हैं। और देखो हम लोग 3 मैच खेलेंगे, और पता है शर्त क्या लगा है? जो 3ों मैच हार जाएगा वो मतलब जीती हुई टीम को भी और हारी हुई टीम को भी जितना पकौड़ी बोलेंगे सब उतना पकौड़ी उसको खिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। तो काफ़ी सीरियस मैच हो रहा है। और देखो ये हमारे ग्राउंड के चारों तरफ फील्डर लगे हुए हैं सब, और वहाँ एनएसजी कमांडो भैया बैटिंग कर रहे हैं, जो कि अभी 4 रन मार दिए हैं आप लोग देख सकते हो। और इनको ज़्यादा दिन नहीं रहना है यार, बस कुछ ही दिन का छुट्टी मिला था, जो कि अब छुट्टी इनका पूरा हो रहा है, तो अब चले जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है यार, आते हैं हम लोगों के साथ खेलते हैं। देखो भाई ये पूरा मगन में है सब, ठीक है ना, क्योंकि हमारा थोड़ा नखैदा टीम था इसलिए हम लोग हार चुके हैं। अब कमांडो भैया अकेले कितना सुधारेंगे यार, कितना मैच खेलेंगे वो भी भाई रिकॉर्ड बन गया यार। अभी हम लोग पता है 3 मैच खेले है ना, 3ों मैच में 40-40 रन हम लोग बनाए हैं, हम और हमारे कमांडो भैया मिलकर। अरे यार साइकिल गिराना ना, लेकिन देखो यार अपना ध्यान दो, ठीक है ना। अभी चले हम लोग दुकान पर और देखते हैं। हम लोग हार रहे हैं भाई, देखो हम झूठ, हाँ ठीक है, संतोष हो गया ना, कोई बात नहीं है, यही सर बात ना हुई थी बा। देखो हम खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, ठीक है ना, अपने पैसा निकाल के खाई बामन के आज। नहीं 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 नहीं, हम भी खाएंगे और चलते हैं। अभी देखते हैं कमांडो भैया अभी आगे चल रहे हैं। देखो इधर ये हमारे जीतने वाली टीम, ये भाई कैसे यार, ये सरदार भाई अभी देखना ये सब पकौड़ी किस तरह खाएंगे भाई। अभी कुछ लोग आगे चले गए हैं और कमांडो भैया भी आगे चले गए हैं, पता है वो लोग जाकर अभी दुकान पर बैठे होंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और देखो हम लोग का ग्राउंड का जाने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पर जितने लोग भी रहते होंगे ना, रास्ते वाले तो हमेशा देख कर पगला जाते होंगे भाई, क्योंकि हम लोग चाहे ठंडी रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, हमेशा आते जाते रहते हैं इसी रास्ते से। और देखो अभी हम लोग दुकान पर आ चुके हैं और एनएसजी कमांडो भैया भी आ चुके हैं, जो कि उधर बैठे हैं, और उनका ये बुलेट अपना बुलेट यहाँ पर रखे हुए हैं आप लोग देख सकते हो। और हम लोगों का R15 उधर खड़ा है, और देखो पहलवान भाई इधर है,
और सभी लोग यार अभी पकौड़ी बना ही नहीं है, सभी लोग उसको घेर कर देख रहे हैं कि कब बने तो कब। और ये भी है ना, जिसको जितना खाना होगा उतना खाएगा, कोई रोक नहीं है। उधर अभी मैं आप लोग को देखो, यहाँ अभी पकौड़ी बना भी नहीं है, अभी तो बन रहा है भाई, लेकिन सभी भूखड़ लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब पकौड़ी बने और कब लेकर भागूं। यहाँ देखो कमांडो भैया कुछ बता रहे हैं, और पता है जैसे देखो यार, किसी भी भाई का जब सिलेक्शन हो जाता है ना, कोई भी भाई जब फौजी बन जाता है और इस तरह हम लोग के साथ में आकर मैच खेलता है, चौराहे पर जाता है और कुछ बातें बताता है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार। कम से कम अपने आप को तो अकेलापन नहीं महसूस होने देते हैं सब, ऐसा लगता है यार मतलब कभी ना कभी हम लोग भी हो जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी गांव का फौजी हो जब साथ में बिताता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। देखो यहाँ अभी इनको ज़्यादा दिन रहना भी नहीं है, बस कुछ ही दिन रहेंगे। पकौड़ी तैयार हो गया है अब, देखो यहाँ पकौड़ी बन चुका है भाई, अब सभी लोग लेकर भागेंगे। अभी ईमानदारी पूर्वक से कोई नहीं लेगा, सब कोई एक लेगा, कोई दो लेगा और इधर उधर भागेगा। और यहाँ तो अब गिनती नहीं होगा भाई, कितना पकौड़ी खाएंगे सब। और ये बॉडी आप लोग देख सकते हो, 6-6 फुट के हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे, और एक तो ऊपर से मेहनत किया है सब, तो भाई पकौड़ी तो खाएंगे ही सब। पकौड़ी वाले भी बहुत खुश रहते होंगे कि ये लोग जब भी आते हैं बहुत इनका पकौड़ी बेचाता है भाई। इसलिए देखो ये रौनक भाई अपना बेईमानी कर रहा है, एक पकौड़ी के जगह दो पकौड़ी लेकर जा रहा है। और देखो बाकी सभी भाइयों को मतलब ईमानदारी से मिल रहा है, उधर भाई दे रहे हैं सब, और अंदर एनर्जी कमांडो भैया बैठे हुए हैं, जो कि सारा पैसा तो उन्हीं को देना है, ठीक है ना, पैसा सब वही देते हैं, लेकिन मतलब सभी लड़कों को खुश रखते हैं, मोटिवेशन भी मतलब मोटिवेट भी करते रहते हैं, और इस तरह बहुत मज़ा आता है यार। देखो अभी मैं भी आ चुका हूँ, जो कि मुझे भी दो पकौड़ी देंगे सब, ठीक है ना। और देखना यार मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, आप लोग देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत छोटी है भाई। उसी से मैं हमेशा डरते रहता हूँ कि अगर यार कल को सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर यार मतलब क्या होगा, क्या किया जाएगा। और जितने भी भाइयों का हाइट कम रहता है ना, वो मतलब हमेशा सोचते रहते हैं भाई, लेकिन छोड़ते नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, ठीक है ना, जब तक जान है तब तक लगे रहना है, ठीक है। अब आगे देखा जाएगा, देखो पहलवान भाई कितना मगन है और खूब पकौड़ी खा रहा है, ठीक है ना। देखो सबका पकौड़ी ख़त्म हो रहा है, अब चलते हैं घर। यहाँ जब तक रहेंगे सब तब तक खाएंगे सब, किसी का पेट नहीं भरेगा भाई। आप लोग देख सकते हो पकौड़ी वाला पकौड़ी बना रहा है, तुरंत ला रहा है और तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि ये सब फौज वाले बंदे हैं और बहुत खतरनाक होते हैं सब। पतले पतले होंगे सब, लेकिन यार मतलब खाने में पीछे नहीं हटते हैं सब, खाने के लिए कुछ भी खा जाते हैं सब। काफ़ी अच्छा भी लगता है यार, ये सब हमेशा देखने को नहीं मिलता है।